पुलिस अधीक्षक जशनदीप सिंह रंधावा ने बताया कि पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। करनाल के निजी अस्पताल के डॉक्टर राकेश दुआ करनाल के पुलिस अधीक्षक जशनदीप सिंह रंधावा को लिखित में शिकायत दी थी कि कुछ लोग अपने आप को पत्रकार बताकर ब्लैकमेल कर रहे हैं, जो कि 5 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं। पुलिस ने तुरंत संज्ञान लेते हुए उनको तुरंत धर दबोचा। पुलिस ने 2 महिला समेत 5 फर्जी पत्रकारों को 2 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इनके कब्जे से 2 लैपटॉप, 2 वीडियो कैमरे, 1 मोबाइल, कई चैनलों की आईडी, माइक सहित अन्य सामान बरामद कर लिया है। डॉक्टरों को गर्भपात के नाम पर यह लोग ब्लैकमेल कर रहे थे। इन आरोपियों को नीलोखड़ी से गिरफ्तार किया गया है। षड्यंत्र के तहत इन्होंने सीडी बनाकर डॉक्टर दुआ से 5 लाख की डिमांड की थी। पुलिस को सूचना देने के बाद इन्हें नीलोखड़ी में अपने ऑफिस में रुपए लेने के लिए बुलाया गया था। जैसे ही इन लोगों को डॉक्टर ने 2 लाख रुपए दिए तो वैसे ही पुलिस ने इन्हें रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। इन लोगों ने करनाल के प्रसिद्ध डॉक्टर राकेश दुआ को ब्लैकमेल कर 2 लाख रुपए मांगे थे और पैसे देने के तुरंत बाद करनाल पुलिस ने रंगे हाथ इन्हें नीलोखेड़ी से गिरफ्तार कर लिया। यह लोग अपने आप को नीलोखेड़ी से तहलका न्यूज चैनल के पत्रकार बताते थे। इनमें नितिन पूजम, विनय अरोड़ा, अमनदीप पटियाला से और उत्तराखंड निवासी भूपिंदर और एक महिला को भी गिरफ्तार किया गया है। दुआ मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल के मैनेजर और डॉक्टर से 2 लाख रुपए लेते हुए इन्हें गिरफ्तार कर लिया। पुलिस मामले में गहनता से जांच कर रही है। सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ पत्रकार स्टिंग ऑपरेशन करके और उन्होंने किसी दुआ हॉस्पिटल के ओनर से उन्होंने पैसे एक्सट्रॉट करने की कोशिश की थी, तो उसके ऊपर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करते हुए हमारे पुलिस ऑफिसर SHO सिविल लाइन ने रेड हैंडेड उनको पकड़ने में कामयाब हुए। जो मनी की ट्रांजैक्शन हो रही थी उनको वहीं से हमने राउंड अप किया और इनसे इनको अभी हमने मुकदमा 400BC और के अंदर बेसिकली इनको और एक्सटॉर्शन 384 के अंदर हमने गिरफ्तार किया। और जब इनकी जमा तलाशी ली गई तो इनसे हमें मेडिकल जो टर्मिनेशन की किट्स होती हैं वो भी बरामद हुई हैं और इसमें अब हम MTP एक्ट वगैरह जोड़ के और इनका क्या पूरा एग्जैक्टली नेक्सस था, क्योंकि हमें जो अभी तक प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में सामने आ रहा है कि इन्होंने पहले भी इस टाइप की कई वारदातें और जगहों के ऊपर भी कर रखी हैं, तो उनका भी हम अभी सारा खुलासा करेंगे। पूछताछ जारी है और ये हम उनसे लाइसेंसेस वगैरह अभी तो उन्होंने कोई हमारे को दिखाए नहीं है। जो उन्होंने अपने कोई विजिटर कार्ड्स और कुछ इस टाइप के चीज़ें दिखाई हैं, लेकिन अपने आप को वो तहलका जो हेडलाइंस बल्कि न्यूज़ पोर्टल है उसके साथ अपने को कनेक्टेड बता रहे हैं। उनका अभी रिकॉर्ड चेक करवा रहे हैं कि असल में ये उनके रोल्स के ऊपर थे या नहीं थे। आज न्यूज ब्यूरो की रिपोर्ट। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखी गई वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।